कंडक्टेंस बेटा लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ देखिए बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी सब्सटेंस बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा मेटेलिक, ब्रैकेट में लिखेंगे मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक बेटा, क्या है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब तार हो सकता है तो तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मेटेलिक हो गया बेटा, और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कोई सॉल्यूशन हो गया बेटा, और इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बेटा, विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ करंट बेटा, विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट बेटा, थ्रू इट उसको क्या कहेंगे बेटा, हम कंडक्टर बेटा, तो पहला जो जिसमें थोड़ा जो पोर्शन है बेटा वो फिजिक्स का पोर्शन है, राइट ठीक है राइट, बाद में हम इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे, शुरू में थोड़ा फिजिक्स रहेगा, बाद में हम इसमें केमिस्ट्री में पार्ट में आएंगे ठीक है राइट। तो लिखिए बेटा टाइप्स ऑफ कंडक्टर बेटा, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो पहला है बेटा मेटेलिक कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर बेटा, तो मेटेलिक कंडक्टर बेटा या तार में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है बच्चों, फ्लो ऑफ किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो जो कंडक्टर बेटा जिसमें जो करंट फ्लो करता है इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मेटेलिक कंडक्टर, क्या कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर, तो लिखेंगे बच्चों इसको, द कंडक्शन इज ड्यू टू, द कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है राइट right? और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बेटा तो मटेरियल डिकम्पोज नहीं करता है, मटेरियल डिकम्पोज नहीं करता है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा राइट right? तो लिखेंगे कंटिन्यू करेंगे बेटा फुल स्टॉप, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा राइट, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे आपने कोई मेटल ले रखा है तो मेटल में होता क्या है बेटा राइट, यहाँ पे जैसे अगर आपने कोई भी आयरन ले रखा है तो आयरन का जो एटम होगा ठीक है ना, आयरन एटम से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो यूजली पहले से ही बाहर निकल चुके होते हैं, तो अगर मैं Fe की बात करता हूँ आयरन की, तो आयरन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन पहले ही रिमूव लूज कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दिखता है Fe प्लस टू दिखता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या करेंगे, वो बाहर ऐसे निकल जाएंगे, तो होगा क्या यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस मिलता है हमें, यहाँ पे क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है आयरन का, मतलब न्यूक्लियस का मतलब क्या मिलता है हमें, आयरन का आयन मिलेगा ठीक है ना राइट, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो यूजली क्या करते हैं इस पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं, ऐसे फ्लो करते ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है या कंडक्टिविटी शो करता है ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं जो इसके दो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो इसके ही पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, इधर उधर, इधर उधर पे, तो यहाँ पे क्या होता है
है, किसी के भी इलेक्ट्रॉन किसी के भी पास हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसके ही दो इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो मेटेलिक जो बॉन्ड होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली क्या बॉन्ड होता है, वो ये जो प्लस चार्ज होता है, आयन होता है उसके बीच में, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसकी में, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो होता क्या है, जो मेटेलिक बॉन्ड या ये जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, ये जो पॉजिटिव पार्ट आपको दिख रहा है ठीक है ना, या आयन दिख रहा है ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये रास्ते में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं किसमें, इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में। तो बीच बीच में क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखता है तो ये क्या करते हैं, हडल प्रोड्यूस करते हैं इन द फ्लो ऑफ क्या करंट। इसीलिए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसीलिए ये क्या शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस, और इन पॉजिटिव आयंस को बेटा बोलते हैं मेटल कर्नल। क्या बोलते हैं, मेटल कर्नल, KERNAL। तो यूजली जो मेटेलिक बॉन्ड है बेटा ठीक है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और ये जो मेटल कर्नल है यही क्या, इन्हीं की वजह से क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस हो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में। और मेटल कर्नल क्या है बेटा, ये जो पॉजिटिव आयंस है ठीक है ना, राइट, या ऐसे कह रहे हैं उनका न्यूक्लियस जो है ठीक है ना, राइट, किसी भी मेटल का ठीक है, राइट, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मेटल कर्नल। तो लिखेंगे बच्चों इसको, द रेजिस्टेंस, कंटिन्यू करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल, बेटा ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल, KERNAL ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है मेटेलिक कंडक्टर की कि नहीं बेटा, हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है कि नहीं बेटा मेटल कर्नल की, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है बच्चों की नहीं करती है, कोई भी बताएगा बेटा, क्या कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है कि कम होती है बेटा, कोई भी बढ़ती है सर। बढ़ती है, हाँ ठीक है, राइट, आंसर है बेटा कि बढ़ती नहीं है बेटा, कम होती है। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है बेटा उसमें बढ़ती है, बट मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, क्या करेगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे ये मोर और वाइब्रेट करेंगे तेजी से, तो और वाइब्रेट करेंगे इसका मतलब और रुकावट पैदा करेंगे और क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से बेटा कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो लिखेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बेटा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या था बेटा, ये क्या था, मेटेलिक कंडक्टर बेटा ठीक है ना, राइट, लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है बच्चों, राइट ठीक है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, लेट्स सपोज आपने क्या करा, पानी में क्या करा बेटा, नमक डाल दिया, अब ये क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बन गया, क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का। तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ठीक है ना, राइट। तो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो यहाँ पे जो करंट का जो फ्लो होता है, जैसे आपने NaCl मिलाया बेटा, तो अब आपको मिलेगा Na प्लस और क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो पानी के अंदर हमें क्या मिलेगा बेटा, आयंस मिलेंगे, तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ जो करंट है इज ड्यू टू द क्या, फ्लो ऑफ आयंस बेटा ठीक है ना, या कंडक्टिविटी जो है या जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की इज ड्यू टू द आयंस, वहां पे क्या था, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द आयंस। वहां पे क्या हुआ था, दूसरी बात, मटेरियल जो था वो डिकम्पोज नहीं हुआ था, बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप NaCl को वाटर में ऐड करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या करेगा बेटा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है राइट। वहां पे डिकम्पोज नहीं था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा या टूट जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों इसको, लिखेंगे कंडक्शन इज ड्यू टू, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस फ्लो। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसी में, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विथ डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बेटा, विथ डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, विथ डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और वहां पे जो रेजिस्टेंस था बेटा वो ड्यू टू क्या था, मेटल कर्नल की वजह से था, वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल की वजह से। बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो होगा क्या बेटा आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो इनमें एक अट्रैक्शन होगा बेटा, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाह रहे होंगे पहला। दूसरा क्या होगा बेटा, जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट की वजह से भी होगा, क्योंकि इनका हाइड्रेशन हो जाएगा बेटा, पानी इसके इनको घेर लेगा, क्योंकि आयंस है, आयंस पे क्या करेगा, वाटर आएगा इनके नजदीक और इनको क्या करेगा, इनके साथ हाइड्रेट कर देगा इनको, इस वजह से भी क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और लास्ट क्या है बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, क्योंकि खुद जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यूजली वो भी अब दूर दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है राइट, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेटा वो तीन वजह से है, ठीक है ना, एक आयन आयन इंटरेक्शन, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और एक क्या बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेटा, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है, मेटेलिक कंडक्टर आप किस में पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट, बेटा किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को क्लियर है बेटा सभी को? तो अब हम छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं बेटा, जिसको जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है राइट, तो ये जो जो भी इस चैप्टर में जो टर्म्स हैं जिसकी जो हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही बताया था बेटा कुछ पार्ट इसमें फिजिक्स का है, ठीक है राइट। तो ये सब रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है ना राइट, रेजिस्टिविटी हो गया, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो लिखिए बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, कहा रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब बेटा रुकावट, रुकावट का मतलब हिंड्रेंस बेटा, लिखेंगे हिंड्रेंस, एच आई एन डी ई आर ई एन सी, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द Hindrance provided by the solution, क्योंकि अब हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ना है बेटा, तो हम इसी के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं इसको। The resistance offered by the solution on the passage of current, hindrance provided by the solution on the passage of current is called as resistance, is called as a resistance. रेजिस्टेंस, ठीक है राइट। ठीक है बेटा राइट, फिर बेटा कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस मतलब सी बेटा, टैक्स कैपिटल सी से डिनोट करेंगे इसको। अब ये क्या होता है बेटा, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट बेटा। हाँ, तो ये रेसिप्रोकल होता है कंडक्ट रेजिस्टेंस का, तो लिखेंगे द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेटा कंडक्टेंस, इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। और जो कंडक्टेंस है बेटा वो रेसिप्रोकल है किसका बेटा, रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, राइट। अब देखिए बेटा, हाँ ठीक है, तो हम पहले थोड़ा रेजिस्टेंस को एक बार डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है बेटा, राइट, ठीक है, लेट्स सपोज क्या है, अगर हम ऐसे देखें कि एक क्या है, ठीक है, राइट, एक रोड है जो सिंगल लेन है बेटा। हाँ, एक रोड है सिंगल लेन है, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट, ठीक है। और एक रोड क्या है बेटा, लेट्स सपोज फोर लेन है या सिक्स लेन है, जो भी, ठीक है, राइट, करेक्ट है। तो अगर हम इधर से इधर जाना चाहते हैं, इफ आई वांट टू पास फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, राइट, इधर से इधर, तो पहले हम ऐसे देखते हैं, एक ये क्या, लेट्स सपोज एल लेंथ का क्या है, एक रोड है जो क्या है वन वे है, ठीक है ना, राइट, और क्या है, एक ऐसी रोड है वन वे है और सेम वो है बेटा। हाँ, ये सेम ही रोड है, बट इस बार हम क्या, लेट्स सपोज जाना चाहते हैं, यहाँ पे 10 किलोमीटर जाना चाहते थे, यहाँ पे हम 20 किलोमीटर जाना चाहते, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा हमें इधर से उधर जाने में, तो जितना ज्यादा क्या बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ज्यादा हमें टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बेटा उतना टाइम लगेगा करंट को क्या करने के लिए, फ्लो करने के, किसके करने के लिए, फ्लो करने के। तो कहने का ये मतलब बेटा कि जितना ज्यादा क्या होगा, क्योंकि यहाँ बीच बीच में ट्रैफिक होगा, कारें होंगी, और भी चीजें होंगी, यहाँ भी बीच बीच में होगा, ठीक है ना, राइट, तो क्या होगा, जब आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू क्या बेटा यहाँ, क्योंकि ये क्या है, आपने लेंथ ज्यादा ट्रेवल करनी है या डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है, तो रेजिस्टेंस भी रास्ते में ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस कहने का ये मतलब बेटा कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या होगा बेटा, लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है, राइट। एक भीड़ भाड़ मार्केट से हम गुजर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, मार्केट छोटा है, ठीक है, राइट, तो कम टाइम लगेगा, वही मार्केट क्या है लंबा है, ठीक है ना, राइट, भीड़ भाड़ है तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, राइट, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम यही देखें बेटा, इतनी लेंथ का 10 किलोमीटर का रास्ता पहले ऐसे था, अब 10 किलोमीटर का जो रास्ता है बेटा अब ऐसा हो गया, हम क्या हुआ, सिंगल वे से क्या आ गए, फोर लेन में आ गए, राइट, टू लेन से फोर लेन में आ गए। अब टू लेन से जब फोर लेन में आ गए बेटा, अचानक क्या होता है, जब हम ड्राइव करते हैं तो अचानक क्या होता है, ट्रैफिक खत्म सा हो जाता है और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, हमने क्या करा, एरिया बढ़ा दिया, तो जब एरिया बढ़ा दिया बेटा तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस मींस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, एरिया होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, लेंथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। और जब प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाएंगे बेटा, आर इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, रो एल बाय क्या लिखते हैं बेटा, ए, क्या लिखते हैं, एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बेटा, रो एल बाय ए, ठीक है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है। रो को क्या कहते हैं बच्चों, रो को क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इज रो बेटा, तो रेजिस्टिविटी। लिखेंगे हेडिंग डालेंगे तीसरी बेटा, तीसरी हेडिंग डालेंगे बेटा रेजिस्टिविटी, तो बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है, राइट। तो रेजिस्टिविटी बेटा आप यहाँ पे लिख लेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, उसके बाद फिर आप ये लिख लेंगे, क्लियर है बेटा। तो आर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा बच्चों, रो एल बाय ए लिखा,
लिखा रो एल बाय ए। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूं तो क्या करूंगा, जो भी आप अगर आप मेटेलिक कंडक्टर देख रहे हैं हम, तो अगर मेटेलिक कंडक्टर जो आपने लिया हुआ है, कोई वायर ले रखी है, तो अगर आप इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते हैं, क्या लेते हैं 1 सेंटीमीटर ले लें, और इसका जो एरिया है बेटा वो भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें, ठीक है। दिस मीन्स क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस या ये वन हो जाएगा दोनों के दोनों, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, क्या बोलेंगे, अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया में जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी, क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। तो लिखेंगे बेटा रेजिस्टिविटी को, तो प्लीज ये लिख लेंगे ऐसे, हाँ ठीक है, और रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो गया बेटा। तो कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ अ यूनिट एरिया, ऑफ अ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, बेटा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, क्लियर है बेटा। तो उस केस में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है ना, राइट, ये जो हम ये जो बात कर रहे हैं यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, मेटेलिक कंडक्टर नहीं पढ़ना है बेटा, हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वॉट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो सकता है, और होगा तो कब होगा, क्या कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर हम इसको केमिस्ट्री के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्वास्तिक बता सकते हो बेटा आप, नहीं। अब देखिए क्या है बेटा, जब आपने क्या लिया ये, ठीक है, रेड सपोज हमने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं लिया, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा, राइट। अब अगर आप देखें इसका, अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ लेता हूँ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेता हूँ बेटा, तो मुझे बताइए वॉल्यूम किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ, अगर एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखता हूँ और ये कितना 1 सेंटीमीटर रखता हूँ, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर, हाँ, 1 cc इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 ml या 1 cm³, cc को cm³ होता है, ठीक है। सो दिस मींस किसके बराबर हो गया, 1 ml के बराबर हो गया। दिस मींस इसके अंदर अगर आपने ऐसे लिया हुआ 1 cm² का एरिया लिया हुआ है किसी भी वेसल का, और क्या है उसका लेंथ 1 cm लिया हुआ है, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा बेटा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा आयंस को इसमें बेटा 1 ml सॉल्यूशन से, कितना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बैक टू द आयंस, ठीक है ना, राइट, बाय द सॉल्यूशन ऑफ कितना बेटा, वॉल्यूम कितना, 1 ml, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी। तो 1 ml जो सॉल्यूशन होगा वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा बेटा, उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। कोई डाउट बच्चों, सानिया क्लियर है बेटा इसको, अभी ये क्या है ये चीज, राइट। अगर यहाँ पे आप इसको पास इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये जितना भी सॉल्यूशन जो होगा 1 ml सॉल्यूशन कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा,
सभी को क्लियर है? आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। राइट तो लिखेंगे बेटा, हाँ लिखेंगे फॉर केमिस्ट्री, नीचे लिखेंगे फॉर केमिस्ट्री, लिखेंगे फॉर केमिस्ट्री। परवीन आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, फॉर केमिस्ट्री रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ठीक है बेटा, फॉर केमिस्ट्री लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, क्या बेटा? इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ठीक है राइट, ठीक। जहां आपने रेजिस्टिविटी लिखी थी बेटा, हाँ तो रेजिस्टिविटी क्या है? ठीक है राइट, रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज बेटा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड एज बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कभी आपसे पूछे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आप उसको क्या कह सकते हैं? वो रेजिस्टिविटी ही है बेटा। तो सबसे पहले पढ़ा बेटा हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ पढ़ा रेजिस्टिविटी, और कंडक्टेंस के साथ अब हम पढ़ेंगे बेटा कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी। ठीक है राइट, क्लियर है बेटा? कंडक्टिविटी, और यही पे लिख रहा हूं बेटा, इसको भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा। ठीक है राइट, और इसका जो सिंपल है बेटा, सिंपल जो है वो के है। इसका सिंपल क्या है? कैपिटल के, और इस के को प्रोनाउंस करते हैं बेटा कापा। क्या प्रोनाउंस करते हैं? कापा। जैसे उसको रेजिस्टिविटी को रो प्रोनाउंस करते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा? कापा। तो के स्टैंड्स फॉर कापा। ठीक है, तो जैसे क्या था बेटा, ठीक है ना राइट, हमने लिखा था रेजिस्टेंस और लिखा था बेटा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था बेटा? रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस था। ऐसे ही हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी बेटा, तो अगर मैं कंडक्टिविटी बोलूंगा तो ये रेसिप्रोकल होगा किसका बेटा? रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी है रेसिप्रोकल किसका बेटा? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इसको डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, वहां पे क्या था बेटा? यहाँ पे रेजिस्टिविटी में हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml सॉल्यूशन, और यहाँ पे बोलेंगे कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे कंडक्टेंस टू कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस बेटा, लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन is called as conductivity. The conductance of all the ions present in 1 ml solution is called as a conductivity. Is called as conductivity. क्लियर है बेटा? तो लिखेंगे इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बेटा, लिखेंगे इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बेटा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो k जो है बेटा वो 1 बाय रो है बेटा, ठीक है राइट। तो हमने r इज इक्वल टू क्या निकाला था? रो l बाय a बेटा। सो दिस मींस रो इज इक्वल टू क्या था? r a बाय l। इसको इधर ले गए बेटा तो ये क्या आ गया था? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा कापा। ठीक
क्लियर है बेटा? राइट, तो के इज इक्वल टू कितना है, 1/ρ है, तो दिस मीन्स के इज इक्वल टू कितना है, 1/r, और ये क्या लिखे बेटा, एल बाय ए कहाँ चला गया बेटा, न्यूमरेटर में, तो दिस मीन्स के इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r, और ऊपर हो गया a, और नीचे क्या हो गया बेटा, एल, और 1/r को क्या लिखेंगे बच्चों, हम 1/r को क्या लिखेंगे, हम कोई बताएगा, व्हाट कैन आई राइट 1/r बेटा, बच्चों बताइए बेटा, 1/r क्या था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, रेजिस्टेंस, तो c इज इक्वल टू क्या था, 1/r, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, c इनटू l बाय सॉरी a बाय क्या बेटा, l, क्या है, a बाय l, तो k इज इक्वल टू क्या है, c इनटू a बाय l, तो c इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू c इंटू ए बाय एल, क्लियर है बेटा? k इज इक्वल टू क्या है, c इंटू ए बाय एल बेटा, अब a क्या बेटा, कांस्टेंट होगा और l भी कांस्टेंट होगा, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट जितना सॉल्यूशन लिया होगा उसका एरिया और जो लेंथ होगा वो फिक्स ही होगा, तो दिस मीन जो a है यहाँ पे एक और कांस्टेंट लिख दें, k इक्वल टू c इंटू g लिख दें, क्या लिख दें, k इज इक्वल टू c इंटू g, वेयर g इज इक्वल टू a बाय l, क्या है, a बाय l, और इस g को बेटा कहते हैं सेल कांस्टेंट, क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सबसे यूजफुल फॉर्मूला है पूरे उसमें, बहुत ज्यादा यूज होगा, k इक्वल टू c इनटू g बेटा, c इज कंडक्टेंस एंड g इज सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा? राइट, लेट्स सपोज मैंने क्या कर रखा, कोई सेल बना रखा है, राइट, तो ए और एल है क्या बेटा, वो बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, राइट, ये जो रॉड है बेटा इसका एरिया क्या है, ए लेना है आपको, ठीक है ना, राइट, जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया कितना, ए लेना है, और ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा यही एल, क्या है, एल है, क्योंकि क्या होगा, एरिया इंटू जो लेंथ होगा बेटा वो वॉल्यूम मिलेगा, तो सारा का सारा यहाँ इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वही क्या होगा, वॉल्यूम, तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा बेटा या कंडक्टेंस जो ऑफर्ड होगा वो ये जो यहाँ पे जितना सॉल्यूशन प्रेजेंट है उस वही वही रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा या वही कंडक्टेंस भी ऑफर्ड करेगा, तो याद रखना वहाँ पे लिख लेना बेटा, ये बना भी लेना, ये जो दो रॉड के बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है और एरिया ऑफ जो इलेक्ट्रोड है बेटा वो क्या है, ई है, तो दैट इज सेल कॉन्स्टेंट बेटा, हाँ ठीक है, तो जब आप कोई सेल बनाएंगे तो रॉड का एरिया और लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या करें बेटा, कॉन्स्टेंट करें और डिनोट किससे करेंगे, जी से, राइट, बच्चों यूनिट लिखे बेटा, यूनिट्स लिखेंगे, तो हम सभी की यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं, अभी तक हमने यूनिट की बात नहीं करी है, ठीक है, राइट, यूनिट्स आप पहले से जानते हैं, अरे तभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट्स का इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप यूनिट देख के भी सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक के, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो लिखे बेटा यूनिट्स,
हम सभी को पता है बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, क्या होती है बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चा, क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ठीक है राइट। तो देखिए बेटा ओम और सिंबल कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, ओम कंडक्टेंस है बेटा, फिर हमने डिफाइन किया था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हमने कैपिटल सी से डिनोट किया था बेटा, ये रेसिप्रोकल था किसका, रेजिस्टेंस का राइट। तो इसको पर ओम बोलते हैं बेटा, या फिर क्या बोलते हैं इसको उल्टा करके लिख देते हैं, मो लिख देते हैं। क्या लिख देते बेटा? मो लिख देते हैं। ठीक है राइट। या इसकी जो कॉमन यूनिट है बेटा, इससे भी जो जो कॉमन यूनिट है जो ज्यादा यूज होगी हमारे लिए केमिस्ट्री में, उसको सीमेंस कहते हैं बेटा, सीमेंस बेटा, इसको इंडियंस को सीमेंस प्रोवाइड कर, मतलब सीमेंस बोलते हैं बेटा, बट ये जर्मन वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन जेड से इसका सीमेंस है, तो ये ज्यादा यूज होगी बेटा, हाँ ज्यादा यूज होगी। और इसको हम सिर्फ किसे डिनोट करेंगे बेटा, एस से, स्मॉल एस से, या एस से डिनोट करेंगे। तो सीमेंस या पर ओम या मो बेटा, ठीक है ना, इज अ यूनिट ऑफ क्या, कंडक्टेंस। फिर है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या लिखा था हमने बेटा, रो, रो का जो फॉर्मूला था क्या था बेटा, वो था 1/R, ठीक है ना, ए बाय एल, क्या था, ए बाय एल, ठीक है राइट। तो 1/R तो क्या हो गया बेटा, कंडक्टेंस हो गया, तो दिस मीन्स किसकी यूनिट तो क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, पर ओम, ठीक है ना। और एल क्या है बेटा, एरिया सेंटीमीटर में लेना है यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर ही बचेगा बेटा, तो पर ओम और सेंटीमीटर बेटा क्या इसकी यूनिट है, किसकी, रेजिस्टिविटी, ठीक है राइट। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, मुझे लग रहा ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए, आर ही आना चाहिए था ना बेटा, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या था बेटा, रू एल बाय ए बेटा, हाँ तो ए ही आएगा, तो यहाँ पे ओम सेंटीमीटर आएगा बेटा, क्या आएगा, ओम सेंटीमीटर, यूनिट क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, ठीक है राइट। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी बेटा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कंडक्टिविटी क्या है, के से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, अब हम देखते हैं वो कितना था, 1/R, ठीक है ना राइट, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, तो 1/R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एल बाय क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। दिस मीन्स अब जो यूनिट आएगी बेटा वो आएगी पर ओम पर सेंटीमीटर, क्या आएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर, या क्या लिखते हैं इसको, मो पर सेंटीमीटर, क्या लिखते हैं बच्चों, मो पर सेंटीमीटर, या फिर एक और यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो पर ओम को मैंने सीमेंस बोला था बेटा, तो जो ज्यादा कॉमन यूनिट है बेटा वो क्या है इसकी, एस सेंटीमीटर इनवर्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, एस सेंटीमीटर इनवर्स बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है राइट। और लास्ट में तो लिख सकते हो बेटा सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट को जी से डिनोट किया था बेटा, वो क्या था, ठीक है, एल बाय ए को ही सेल कांस्टेंट बेटा बोला था बच्चों ने, कितना था, एल बाय ए, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, पर सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, पर सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा सभी को राइट, सानिया क्लियर है, खुशी क्लियर है आपको, यस सर, ठीक है सानिया आपको क्लियर है, यस सर, बताना बच्चों, तो रब कर देंगे बेटा, लिख लिया तो रब कर देंगे, लिख लिया सर, लिख लिया।
तो कैसे निकालते हैं बेटा, कौन बताएगा रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में? एनीबडी नोज इट, फिजिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम रेजिस्टेंस को? पोटेंशियल करंट से। किससे बेटा? ओम्स लॉ से, V is equal to IR। ओके ओके। और किसी तरीके से बेटा, किसी वायर में लेट्स सपोज इस वायर का रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। ओके, और रेजिस्टिविटी अगर नहीं पता है तो? आपने सुना नाम वीट स्टोन ब्रिज का बच्चों, वीट स्टोन ब्रिज याद आया आपको? छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, या बड़ी क्लास में ही पढ़ते हैं आप? अभी पढ़ोगे क्लास 12 में पढ़ोगे, छोटी क्लास में शायद पढ़ा होगा आपने वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दिन पहले ही पढ़ाया था। हाँ, तो क्या है वीट स्टोन ब्रिज बेटा, किसी भी अननोन सब्सटेंस का अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, वीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो लिखें बेटा कैलकुलेशन ऑफ, तो हमें रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा तो कंडक्टेंस आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा तो कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो लिखें बेटा कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, जो भी आप लिखना चाहें, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो लिखें बेटा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, लिखेंगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ वीट स्टोन ब्रिज बेटा, लिखेंगे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सब्सटेंस, ऑफ अननोन सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ, कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अननोन सब्सटेंस विद हेल्प ऑफ वीट स्टोन ब्रिज बेटा। क्या है वीट स्टोन ब्रिज? तो ये शायद आपको पता है बेटा, हम बिगिनर राइट कुछ ऐसे बनाते हैं इसको, फिर इसको एक सर मैं सर बैटरी से जोड़ देते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? हाँ राइट, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख रहे हो पी बेटा, इसको क्या लिख रहे हो, क्यू लिख रहे हो, इसको पी क्यू कैसे लिख रहे हो, इसको लिख रहे हो P, इसको Q, इसको R और इसको क्या लिख रहे हो, S लिख रहे हो, ठीक है राइट। बीच में आप क्या लगा देते हो, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है बेटा, ठीक है राइट। अगर आप देखिए बेटा, हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो आप करते क्या है, जब इसको यूज करते हैं तो आप क्या रिलेशन यूज करते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं क्या, P by Q, ठीक है ना, या इस ऐसे ऐसे लिखते हैं और इसके बराबर कर देते हैं P Q R और S बेटा। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, P by Q is equal to कितना, S by कितना बेटा, R, क्या लिखते हो, S by R। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये अननोन है इसका हमें नहीं पता रेजिस्टेंस, ठीक है राइट, तो इस क्या करेंगे हम, अगर तीनों का नोन होगा और इसका अननोन होगा बेटा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। तो इसको क्या कहते हैं, वीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, वीट स्टोन ब्रिज, फिजिक्स में भी पढ़ाया होगा आपको, ठीक है बेटा राइट। तो आर अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो आर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इंटू कितना बेटा, एस। तो वैसे आर का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस आ गया तो कंडक्टेंस आ गया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है राइट। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना, हमें तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का करना है, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है, ना कि मेटेलिक कंडक्टर पढ़ना है। सो हमारा मेन पर्पज है बेटा, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द क्या, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है ना, उसका हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस राइट। तो हम क्या करेंगे, इस आर के जगह में इसको हटा दूंगा बेटा, और इसकी जगह जिस भी सेल का हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, उस सेल को यहाँ लगा देंगे, उस सेल को हम यहाँ लगा देंगे,
जिस भी सेल का बेटा हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने सेल वहां पे लगा दिया आर के जगह पे, ठीक है ना राइट। अभी भी क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा बेटा उसका फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी बाई क्यू अपॉन कितना, पी बाई क्यू इंटू एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस सेल का। ये क्या है, सेल है। तो हमें जिस भी सेल का कैलकुलेट करना बेटा रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, तो हम क्या करेंगे उसको व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगा देंगे और उसके हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और जो रेजिस्टेंस होगा बेटा उसका उल्टा, इसका C इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/R। ये मिल गया हमें, कंडक्टेंस मिल गया, पहले रेजिस्टेंस मिला उसके बाद कंडक्टेंस मिला। अब कंडक्टेंस मिलने के बाद क्या बेटा, हमें इसका क्या है, एल पता है, इसका एरिया पता है, मतलब वी नो द सेल कॉन्स्टेंट। सो दिस मीन्स हमें प्योरली कंडक्टिविटी किया था, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा C इनटू G। ऐसे हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, कंडक्टिविटी कैलकुलेट। सो आवर मेन पर्पस इज टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी बेटा। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू C इनटू G। K इज कापा, दैट इज कंडक्टिविटी, C इज क्या था बेटा कंडक्टेंस, एंड G इज सेल कांस्टेंट। सो दिस इज हाउ बेटा यू कैन राइट, हम किसी भी सेल की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। और जिस भी सेल की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं बेटा, यूजली हम उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल। तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा कंडक्टिविटी, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी सेल कहेंगे। ठीक है राइट। सो यहां तक तो थी बेटा फिजिक्स की बात, राइट right? ठीक है, तो यहां तक हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो यूजफुल है, और वो कौन सा बेटा, के इज इक्वल टू सी इनटू जी, जिसका हम आगे जाके यूज करने वाले। और हमने अभी तक ज्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स का पार्ट किया, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं किया, ठीक है राइट। तो अब हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना राइट। पहले इसमें क्या हमारे पास एज एन केमिस्ट का चैलेंज आने वाला है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर हम इसको रिमूव करेंगे बेटा। पहले चैलेंज देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या चैलेंज आएगा, राइट ठीक है। लेट्स सपोज अभी हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है ना राइट। आर्यन है, सान्या है, स्वास्तिक है, ठीक है राइट, तीन का ही लेते हैं हम, और स्वास्तिक राइट, तीन लड़के तीन बच्चे हैं, ठीक है ना राइट। मैंने क्या कहा आपसे कि NaCl का सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है ना राइट। NaCl का आप सॉल्यूशन बनाइए, नमक का सॉल्यूशन बनाइए, और कंडक्टिविटी बताइए बेटा, ठीक है ना राइट। क्या है बट तीनों के तीनों जो हैं, आर्यन अपने घर पे, सान्या अपने घर पे, और स्वास्तिक भी अपने घर पे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप NaCl का सॉल्यूशन बनाइए, और सॉल्यूशन बना के बाद बनाने के बाद मुझे उसकी कंडक्टिविटी बताइए। तो क्या करेंगे आप, आपने पानी लिया, उसमें नमक ऐड किया, और सॉल्यूशन बना के तैयार हो गए। आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो आर्यन सॉल्यूशन जब बनाया उसके बाद क्या करेगा, आर्यन एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है ना राइट, उसको कंडक्टिविटी सेल में डाल देगा। और कंडक्टिविटी सेल से क्या कैलकुलेट करेगा, पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, रेजिस्टेंस के बाद क्या आएगा बेटा कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस के बाद क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आर्यन ने किया, सान्या ने भी यही किया होगा, स्वास्तिक ने भी यही किया होगा, क्योंकि यही तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आप तीनों बच्चों का जो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, वो सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, ये आंसर क्या है। तो आपको क्या लगता है, आर्यन सान्या स्वास्तिक क्या सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी के की वैल्यू? हाँ जी बच्चों, क्या लगता है, आर्यन सेम आएगा बेटा कि नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा? अलग आएगा सर, अलग आएगा। क्या रीजन देंगे बेटा अलग क्यों आएगा, क्या रीजन दे सकते हैं स्वास्तिक, क्या रीजन दे सकते हैं अलग आएगा? तो एक मिनट, या खुशी, ठीक है ना राइट। प्रवीण आप जो भी कोई भी बताना चाहे क्यों डिफरेंट आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा, क्यों डिफरेंट आएगा उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि क्या आर्यन को पता है कि सान्या स्वास्तिक ने कितना नमक लिया पानी के अंदर? नहीं। क्या सान्या को पता है कि आर्यन और स्वास्तिक ने कितना नमक लिया पानी में? नहीं। ना ही स्वास्तिक को पता है कि कितना आर्यन और कितना सान्या ने लिया नमक को पानी, मतलब तीनों का जो अमाउंट है, क्योंकि एक दूसरे से आपकी बात हुई नहीं, सब आप अपने घर पे हैं, तो इसका मतलब अगर आप इन्होंने क्या करा, एक चम्मच सॉल्ट लिया है, एक स्पून, इन्होंने आधा लिया है, इसमें दो लिया है,
तो क्या तीनों का आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, मुझे बताइए बच्चों। डिफरेंट सर। आने सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा बेटा? डिफरेंट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या है तीनों में अलग अलग होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस तीनों में अलग अलग होंगे दिस मीन्स क्या होगा बेटा, तीनों की कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है? राइट राइट। सो इसीलिए क्या है, तीनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन ठीक है ना, यही अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करता, ठीक है ना, राइट, मेटेलिक कंडक्टर की बात करता, ठीक है, राइट, तो अगर आप कॉपर वायर लेते बेटा, हाँ, अगर आप कॉपर वायर लेते, ठीक है ना, और कॉपर वायर की कंडक्टिविटी देखते या रेजिस्टेंस देखते, तो आप तीनों का आंसर क्या आता बेटा, सेम आता, तीनों का आंसर क्या आता, सेम आता है, अगर उसकी प्योरिटी क्या है, मतलब एक ही मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का लो आप, ठीक है ना, राइट, वायर आप किसी ब्रांड का लो, हेलो, ठीक है, तो सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आप किसी भी शॉप से लो बेटा, चाहे आप किसी भी शॉप से लो, गुप्ता जी के, अग्रवाल जी के, किसी के शॉप से लो, सबका आंसर क्या आएगा, सेम है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर है, वहां पे जो मेटल है उसमें सभी में कॉपर है, और कॉपर में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे थे उतने इसमें भी फ्लो करेंगे, उतने इसमें भी फ्लो करेंगे, चाहे आरएनए चमन कहीं से भी खरीदा हो, अपने घर के पास से सेक्टर 13 से खरीदा हो, या सानिया ने कहीं से खरीदा हो, या स्वास्तिक ने सेक्टर 14 से खरीदा हो, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो, किसी की दुकान से खरीदो, कोई सा भी ब्रांड खरीदो बेटा, सबका आंसर जो आर का आएगा वो सेम आएगा, आर का सेम होगा तो के भी सेम होगा, सी भी सेम होगा, सी सेम होगा तो के भी सेम होगा। लेकिन ये बात सेम नहीं थी जब हम यहाँ इसकी बात कर रहे, तो फिजिक्स में तो सही था, क्योंकि फिजिक्स में अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रेजिस्टिविटी कॉपर की, तो रेजिस्टिविटी कॉपर की फिक्स होगी, वो हमेशा आपको गिवन होती है, आयरन की गिवन होगी आपको, एल्युमिनियम की गिवन होगी आप, और वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा जब तक कि आप क्या सेम ना करें बच्चों, अगर मैं चाहता हूँ कि सबके सब सेम आंसर देते तो आप क्या करते, इसको क्या करना चाहिए था हमें इसमें, अगर हम कंसंट्रेशन क्या करना चाहिए था, सेम करना चाहिए था, सो जहां कंसंट्रेशन आ गया बेटा तो वहां पे हम किसमें आ गए, अब केमिस्ट्री में आ गए, किसमें आ गए, केमिस्ट्री में आ गए, सर यहां पे जो, हाँ जी बेटा बोलिए, c is equal to 1/r है, इसमें r रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, r बेटा रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, सर फिर वो इस पे लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा इसके उसमें बेटा, जैसे अगर हम तीनों वायर्स लेंगे, हाँ जी बेटा, तो इसमें वो कंडक्टिविटी उस पे डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ और रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, राइट, ठीक है, जो भी आप जो भी जो वायर की जो थिकनेस है ना बेटा, वो ऑलमोस्ट जो रहेगी वो सेम ही, जब आप मार्केट में ले जाएंगे ना तो एक ही थिकनेस का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या है बेटा, आप किसी भी लेंथ और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अगर मटेरियल सेम है ना बेटा, यहाँ तो मटेरियल सेम था कि नहीं थे सन्या सभी के पास, यस सर, बट आंसर तीनों का क्या था, डिफरेंट था, है ना, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि लेंथ और इसका वो, यहाँ पे ये भी कह सकता था ना, एरिया डिफरेंट ले लिया या लेंथ डिफरेंट ले लिया, यहाँ पे भी तो डिफरेंट ले सकते थे हम, क्यों नहीं सकते थे, बट मैंने उसके बारे में नहीं कहा, आपने क्या करा, एरिया और लेंथ हम यहाँ पे फिक्स ही ले रहे हैं बेटा, एल और एरिया फिक्स है, तो यहाँ भी जो एल है और ए क्या है बेटा, फिक्स है, लेकिन एल और ए फिक्स होने के बावजूद भी यहाँ आंसर डिफरेंट आएगा, बट यहाँ आंसर क्या आएगा, सानिया क्या आएगा, सेम आएगा बेटा, अगर हम अलग अलग लेते हैं तो अलग आएगा आंसर, फिर अलग अलग लेते हैं मतलब बेटा, अलग लेंथ या अलग एरिया अगर ले, हाँ तो भी आंसर अलग आएगा, क्योंकि आप जब आपने यहाँ से सी कैलकुलेट किया तो आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, के डायरेक्ट कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, तरीका क्या है, पहले आप आर कैलकुलेट करेंगे, आर से सी कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, तो अगर जी डिफरेंट होगा तो के भी डिफरेंट ही आ जाएगा बेटा, ठीक है सर, ठीक है जी सर, राइट, तो कहने का ये मतलब है क्या बेटा, अगर आप सेम लेंथ और सेम थिकनेस की, ठीक है ना, या एरिया की क्या करते हो आप, थिकनेस की वायर लेते हो, चाहे किसी भी ब्रांड का लो, ठीक है ना, राइट, किसी भी क्या, किसी भी जगह से लो, किसी भी शॉप से लो, डिफरेंट शॉप से लो, पानीपत से लो, करनाल से लो, सबका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, अगर आपने मटीरियल सेम दिया है तो, लेकिन यहाँ पे मटीरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, बट स्पाइट यहाँ पे आंसर अलग आएगा जब तक कि आप क्या ना सिम करो, कंसंट्रेशन सेम ना, सो नाउ
The concentration is related with chemistry बेटा, तो chemistry point of view से इसको देखेंगे और यहाँ से बेटा ये important topic शुरू होगा जो question अब जो आएंगे बेटा, question यहीं से frame होते हैं, इसी पीछे से question frame नहीं होते, लिखेंगे बेटा heading लिखेंगे बेटा molar conductivity, लिखेंगे molar conductivity. सर 9 बजे maths की भी class है. मैंने अमन सर को बोला है बेटा लेट करने के लिए, ठीक है राइट. मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, मैंने उनको बोला था जब मैं खत्म करूंगा बेटा तभी सर करेंगे. ठीक है राइट, तो अभी तो है हमारे पास टाइम. ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा राइट. हेडिंग लिखी बेटा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी. क्या है मोलर कंडक्टिविटी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. अगर एक क्वेश्चन बनता है तो इसी का बनता है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है इसका, मोलर कंडक्टिविटी से बस. ठीक है राइट, और इसको डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, ऐसे लिखते हैं. ठीक है राइट, और यहाँ एम लिखते हैं. ठीक है राइट, आपने ये सुना होगा बेटा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, लैम्डा. क्या बोलते हैं, लैम्डा. ठीक है ना, और ये जो उल्टा ए टाइप दिख रहा ना, ये भी लैम्डा ही बोलते हैं, इसको भी लैम्डा बोलते हैं. ये जो लैम्डा होता है बेटा इसको स्मॉल लैम्डा कहते हैं, और ये जो ऐसा रहता है उल्टा इसको भी लैम्डा कहते हैं, बट इसको ये बिग लैम्डा या कैपिटल लैम्डा. ठीक है राइट, तो इसको भी लैम्डा एम, क्या प्रोनाउंस करेंगे, लैम्डा एम बेटा. तो लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी बेटा. क्या है, मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है राइट, क्लियर है राइट. अब देखिए क्या है, लेट्स सपोज क्या है, आप ही तीन थे, आर्यन था, सानिया है और स्वास्तिक है बेटा. हाँ ठीक है राइट. अब क्या हुआ, आर्यन ने जो सॉल्यूशन बनाया, जो नमक लिया, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी बेटा, 1/100. कितनी थी, 1/100. मतलब इन्होंने जो सॉल्ट लिया वो 1 मोल, वो कितना लिया, 0.001 मोलर ले लिया. क्या लिया, 0.01 ऐसे ले लिया. जो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन जो सॉल्ट की थी वो थी 1/20. जो सानिया ने लिया वो कितना था, 1/20. ठीक है राइट, और जो स्वास्तिक ने लिया वो कितना लिया, 1/5 कंसेंट्रेशन. ठीक है राइट, तो ये कंसेंट्रेशन क्या है, इतना मोलर, 1/100 मोलर, ये 1/20 मोलर और ये 1/5. ठीक है, आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं. ठीक है राइट, मैंने ऐसे लिखा है. ठीक है राइट, तो क्या तीनों का आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, बच्चों बताइए. डिफरेंट, डिफरेंट आएगा. तो अगर मुझे तीनों का आंसर सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए हाँ. ठीक है राइट, आर्यन का आंसर कितना, 1/100 के हिसाब से आएगा, 1/20 के हिसाब से आएगा, 1/5 के हिसाब से आएगा. ठीक है राइट, तो लेट्स सपोज कितना इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना, एक्स आया लेट्स सपोज. ठीक है राइट, और आपका आंसर कितना है, वाई आया, और स्वास्थ्य का कितना आंसर आया, जेड आया फॉर एग्जाम्पल. अब जो भी आंसर आया बेटा आपका, मैंने क्या कहा, आर्यन को कहा कि जो भी आपका आंसर आया आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना. मैंने क्या बोला कि जो भी आर्यन आपका आंसर आ रहा, लेट्स सपोज आपका आंसर 2 आ रहा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना. तो आर्यन ने आंसर बताया, सर मेरा आंसर कितना आ रहा, 200. तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर. सानिया को मैंने क्या कहा कि जो भी आपका आंसर आ रहा बेटा उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना. तो सानिया ने क्या करा, लेट्स सपोज 2 आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, इनका कितना, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. और जो क्या आ रहा था, स्वास्तिक का आंसर जेड आ रहा था, स्वास्तिक को मैंने बोला आप जो भी आंसर आपका रहा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता. तो आप मुझे ये बताओ, जब मैंने जो आंसर एक्स आया था, पहले वाई आया था और जेड आया था, जब मैंने क्या करा 100, 20 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आप तीनों का आंसर सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ बेटा. सेम. अब क्या हो गया, सेम हो गया. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन सब क्या हो गए, सेम हो गए. क्योंकि सब, अब सबकी जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 1 होगी. क्योंकि आर्यन ने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, सान्य ने मल्टीप्लाई करा 20 से, और स्वास्तिक ने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से. नाउ द कंसेंट्रेशन इज 1, 1 और 1. अब कंसेंट्रेशन तीनों की बेटा सेम होगी, तो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, अब आंसर की तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये मोलर और ये कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन. क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन, जो के है 1 मोलर सॉल्यूशन को जब हम कहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा.
तो जब आप कंडक्टिविटी के कैलकुलेट करो किसकी, एक मोलर सॉल्यूशन की, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। अब सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी बेटा बताइए, क्लियर है खुशी, क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है आर्यन आपको क्लियर है, सानिया क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर क्लियर। प्रवीण आपको क्लियर है बेटा? यस सर। तो लिखेंगे बेटा, हाँ ठीक है राइट, लिखेंगे द कंडक्टिविटी, लिखेंगे लिखेंगे इसको, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या वन मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, ऑफ वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज बेटा मोलर कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। एक मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी बेटा उसको क्या कहेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी बेटा, और लैम्डा एम से डिनोट करेंगे। ठीक है इसका जो फॉर्मूला है बेटा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय सी है बेटा, क्या है यहाँ पे, के बाय सी, याद रखेंगे बेटा यहाँ पे सी कंडक्टेंस नहीं है, सी क्या है बेटा कंसेंट्रेशन, क्या है कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन भी आपको कौन सा लेनी है बेटा, मोलैरिटी, क्या लेना है मोलैरिटी, क्या लेना है मोलैरिटी। क्लियर है बेटा राइट, ठीक है दो मिनट दीजिएगा बेटा, मैं इसमें फिनिश करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा, के बाय सी, के तो पता है कंडक्टिविटी बेटा, और सी क्या है कंसेंट्रेशन, ठीक है राइट। तो अगर हम यूनिट की देखते हैं बेटा, यूनिट देखते हैं तो यूनिट क्या था, के की यूनिट क्या थी बच्चों, पर ओम, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था बेटा पर सेंटीमीटर, क्या था पर ओम और पर सेंटीमीटर, और जो कंसेंट्रेशन बेटा मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन कितना बेटा वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर बेटा। सो दिस मीन्स क्या होगा, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, मोल्स अपॉन कितना बेटा लीटर क्या सॉल्यूशन या लीटर इनवर्स लिख दिया, ठीक है राइट। अब आप देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूनिट में गड़बड़ है, गड़बड़ इसलिए क्या है बेटा, क्योंकि जो लेंथ है सॉरी जो जो वॉल्यूम है वो तो हमने लीटर में लिखा हुआ है, और यहाँ लेंथ किसमें लिखा है बेटा सेंटीमीटर में, तो या वॉल्यूम को हमें किसमें लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा यूनिट क्या होगी सिंक्रोनाइज्ड होगी, तभी आंसर हमारा सही आएगा। सो दिस मीन्स हमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करें या लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान होता है बेटा, हमें पता है, ठीक है ना राइट। वन लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, किसी को याद है, सेंटीमीटर में वन लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1000 ml, और 1 ml किसके बराबर होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, पर ओम पर सेंटीमीटर, और नीचे क्या है बेटा मोल, और इनटू कितना है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है राइट, क्लियर है बेटा। सो 1000 सॉरी ये भी इनवर्स में है ना, ये इसके इनवर्स में था, ये बाय में था, ठीक है इसको बाय भी लिख देता, स्टूडेंट लिखना आसान है, अपॉन कितना बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा का सारा न्यूमरेटर में चला गया बेटा, तो हमें क्या मिला यूनिट पर ओम, और यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स था बेटा पहले से, और इनटू कितना मिला 1000 इनटू सेंटीमीटर का क्यूब, अपॉन न्यूमरेटर में क्या मिला बेटा सिर्फ मोल। तो दिस मीन्स क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, तो यूनिट क्या आएगी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूनिट से फॉर्मूला भी आता है, क्या है पर ओम इनटू क्या बेटा 1000 इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, अपॉन क्या बचेगा बेटा मोल, क्या बचेगा मोल। ठीक है राइट, सो दिस मींस क्या है, तो लैम्डा एम आपको लिखना है बेटा, ठीक है ना राइट। तो लैम्डा एम हम क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए ऐसे फॉर्मूला बना रहे हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है राइट, पर ओम ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 1000 अपॉन कितना बेटा मोल। सो दिस मींस तो फॉर्मूला बनेगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी का, अगर हम यूनिट को सही रखते हैं
तो ये आएगा के इंटू 1000 अपॉन कितना बेटा एम, एम इज मोलैरिटी। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी बेटा। डायरेक्ट मोलैरिटी की वैल्यू पुट करनी है, कन्वर्जन नहीं करना बेटा, कन्वर्जन हमने ऑलरेडी कर दिया है। आपको क्या करना है, अगर बोलेगा सॉल्यूशन की वन मोलर है तो यहाँ वन पुट करना है, टू बोलेगा तो टू पुट करना है, पॉइंट फाइव बोलेगा तो पॉइंट फाइव कर, ठीक है राइट। यूनिट चेंज नहीं करनी क्योंकि यूनिट हम पहले से चेंज कर चुके हैं, 1000 हमने फैक्टर इसीलिए लगाया है। तो डायरेक्ट मोलैरिटी की वैल्यू रखनी है हम यहाँ पे, तो एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, ठीक है। और यूनिट क्या होगी बेटा, लैम्डा एम की यूनिट हमें दिख रही है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बेटा, ये यूनिट है। या हमने क्या लिखा था, पर ओम को सीमेंस भी बोला था, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन किसका आएगा बेटा, लैम्डा एम का पूछता है, ठीक है ना। तो हमें लैम्डा एम ही डिस्कस करना है, क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। चलिए बेटा हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, राइट ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। कल का टाइमिंग बेटा मैं शाम को कंफर्म करता हूँ आपको एक बार, ठीक है ना राइट। और होपफुली बेटा ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन दोनों ही होगी, सेंटर पे ही होगी, ठीक है ना राइट। बट शाम तक हम इसको कंफर्म करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू बेटा, गुड मॉर्निंग।